जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन टैब और ट्रांजिशन के बारे में। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको फोटो एल्बम के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में पावर पॉइंट की क्लास में डिजाइन और ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना है। जैसे डिजाइन के बारे में अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया है, हम चाहेंगे तो सारे स्लाइड का, जैसे यहाँ पे जितना भी मैंने स्लाइड बनाया है, ये सारे स्लाइड का मतलब एक ही जैसा यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है, एक ही जैसा डिजाइन दिया गया है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी अलग अलग हम डिजाइन दे सकते हैं। वो भी कहाँ से? तो डिजाइन टैब से। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जिसपे भी डिजाइन देना है, जैसे इस पे तो अलग है, इस पे भी अगर हमको अलग डिजाइन देना है तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि बस आप यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए करना क्या है, बस यहाँ से माउस से राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप ले सकते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, मतलब हम इस पे एक डिफरेंट जो है स्लाइड ले सकते हैं, इसकी हम थीम्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही थीम को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसका अलग अलग वेरिएंट भी मिल जाएगा, हम इसकी वेरिएंट को भी आसानी तरीके से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमको रेड चाहिए तो यहाँ से रेड ले सकते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा इफेक्ट दिया हुआ है। और यहाँ से कलर को भी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी कलर हमको चाहिए यहाँ पे पूरा ऑप्शन अप्लाई करके हम देख सकते हैं। इसके नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फॉन्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया है और इसकी फॉन्ट को भी अगर हमको चेंज करना है तो हम आसानी तरीके से चाहेंगे तो इसकी फॉन्ट को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है, जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे इफेक्ट आपको बताता है कि आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ से वेरिएंट्स को चेंज करेंगे, इसकी कलर को चेंज करेंगे, तो जो कलर हम यहाँ पे लेंगे वही आपके इफेक्ट में कलर आपको शो करके दिखाएगा। इसके बाद से आता है बैकग्राउंड स्टाइल, यानी कि जो मैंने बैकग्राउंड लिया है उसकी हम अलग अलग स्टाइल भी ले सकते हैं। इसमें इतना सारा स्टाइल दिया हुआ है, देखिए आप अलग अलग स्टाइल भी यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चले आते हैं सबसे पहले वेरिएंट्स पे और यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल पे। आप इसकी अलग अलग यहाँ पे बैकग्राउंड का स्टाइल ले सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में, देखिए यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड साइज। क्या लिखा हुआ है? स्लाइड साइज मतलब ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड लिया हुआ है इसकी साइज को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्लाइड साइज पे, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड 4.3 और एक मिलेगा वाइड स्क्रीन 16.9। मतलब ये बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन में आपको दिखा रहा है। अगर आप इससे छोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे और स्लाइड में आप ये मैक्सिमम में लेना चाहते हैं, मैक्सिमाइज लेना चाहते हैं, या एनजीओर फिट लेना चाहते हैं। एनजीओर फिट में हो गया, देखिए छोटा हुआ है और वही पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्लाइड साइज पे चले जाएंगे और यहाँ से 16.9 ले लेंगे। देखिए ये पहले की अवस्था में हो जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड की साइज को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये मैक्सिमाइज के रूप में हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से एनजीओर फिट में हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी तो यहाँ पे मैक्सिमाइज में करके दिया हुआ है, अगर आपको एनजीओर फिट में लेना है तो यहाँ पे एनजीओर फिट पे क्लिक करिए और इस तरीके से आपका स्लाइड दिखने लगेगा, छोटा छोटा आपको दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग था वहीं पे हम चले आते हैं। अगला इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है फॉर्मेट बैकग्राउंड। क्या लिखा है? फॉर्मेट बैकग्राउंड। और याद करिए मैंने इसके बारे में आपको एमएस वर्ड में अच्छे से पढ़ाया था, अगर सॉलिड फिल करते हैं तो आप यहां से किसी एक कलर का चुनाव कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना। इसमें देखिए कितना सारा कलर दिया हुआ है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये सॉलिड कलर ऑप्शन होता है। अगर ग्रेडियंट करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए ये वाला स्लाइड मैंने लिया और यहाँ से हम आ जाते हैं सबसे पहले होम टैब पे और यहाँ से हम इस लेआउट को कर लेते हैं यहाँ से ब्लैंक लेआउट। और इसमें जो है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक किया माउस से और न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं और इसकी बैकग्राउंड को हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ से जो है इसकी लेआउट को हम ले लेते हैं यहाँ से ब्लैंक, ब्लैंक लेआउट ले लेते हैं। अब इसके बाद से देखिए करना क्या है, यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग को हटा दिया। अब देखिए करना क्या है,
अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ मतलब जो तिरंगा कलर होता है उस तरीके से हम स्लाइड को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ग्रेडियंट का हेल्प लेना पड़ेगा ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले ग्रेडियंट फिल पे आ जाइए, और ग्रेडियंट फिल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना ग्रेडियंट का जो डब्बा होता है, इसमें कितना डब्बा आपको दिख रहा है अभी? दो तो दिख रहा है ना, तो तिरंगे के लिए तीन डब्बा होना चाहिए ना, एक डब्बा और आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। अब तीन डब्बा हो गया यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट वाले डब्बे में क्या कलर लेना है, तो फर्स्ट वाले डब्बे पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम कलर पे चलते हैं और यहाँ से ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर लिया, सही है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना कलर बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं आप इसमें बना सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड का कौन सा कलर होगा? व्हाइट। यहाँ पे आप व्हाइट वाला कलर ले लीजिए। फिर यहाँ पे थर्ड पे आते हैं, और थर्ड पे कौन सा कलर हो जाएगा? यहाँ से मैंने ग्रीन कलर ले लिया, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप चाहेंगे तो इसकी पोजीशन, यहाँ से पोजीशन को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। देखिए घट रहा है बढ़ रहा है, कौन सा कलर? ग्रीन कलर। अगर हम व्हाइट कलर में इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो व्हाइट वाले कलर के डब्बे को हम सिलेक्शन करेंगे, अब हम इसके हिसाब से पोजीशन दे सकते हैं। देखिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी पोजीशन दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी घटाना है बढ़ाना है, ऐसे हम जो है ट्रांसपेरेंसी को भी घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए चेंजिंग हो रहा है, ब्राइटनेस कम करना है ज्यादा करना है तो यहाँ से ब्राइटनेस को भी कम और ज्यादा किया जा सकता है। देखिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए डायरेक्शन मतलब कौन से डायरेक्शन में हम इसको करना चाहते हैं, आप अगर ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, कुछ ऐसे दिखेगा। फिर चेंज करिए, फिर ये वाला ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ। देखिए यहाँ से अलग अलग ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया है। अब चलिए अब यहाँ पे लिखा है, देखिए अप्लाई टू आल, मतलब क्या होगा, हम सब पे यही अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू आल पे क्लिक करेंगे। और रिसेट बैकग्राउंड का मतलब अगर रिसेट कर देंगे तो जिस तरीके से पहला हमारा था सेम उसी तरीके से हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था होगी। फिर मैंने यहाँ से अंडू कर दी, समझ में आ रहा है ना। अगर एक स्लाइड पे आपने विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग किया है और वो पूरी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, रिसेट बैकग्राउंड कर देंगे, कोई दिक्कत? अब चलिए यहां से जो है यहां से हम जो इसको हटाते हैं और यहां से हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहां से हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और यहां से मैंने ड्रॉ कर दी, और ड्रॉ करने के बाद मैंने यहां पे लिख लिया इंडिया, इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दी, कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसको हम लेके आ जाते हैं सेंटर में, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो करके दिखाएगा, ये आपका क्या होता है, ग्रेडियंट कलर होता है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बगल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो चलिए जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, इसको भी यहाँ पे क्लिक करके और डिजाइन टैब में, सॉरी यहाँ पे होम टैब पे आने के बाद इसकी भी लेआउट को हम यहाँ से ब्लैंक ले लेते हैं, ब्लैंक लेआउट, और इसकी भी कलर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब पुनः हम चलते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे आने के बाद देखिए इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है पिक्चर आर टेक्सचर फिल, ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, आप चाहेंगे तो आप इसमें कोई टेक्सचर भी लगा सकते हैं, देखिए इतना सारा टेक्सचर दिया हुआ पढ़ाया मैंने, ये भी आप लगा सकते हैं, देखिए सब टेक्सचर होता है, पर इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। एक फुटबॉल को हम बताएंगे कि फुटबॉल को कैसे मूव कराया जाता है सीढ़ी पे, इसके बारे में। अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, जैसे यही वाला पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर, समझ में आ रहा है, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, बस आपको करना क्या है यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करिए
और यहाँ से फाइल पे चले जाइए और यहाँ से कोई सा भी पिक्चर, जैसे ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखे। पैटर्न लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पैटर्न भी लगा के देख सकते हैं। पैटर्न मैंने बताया था दो कलर की कॉम्बिनेशन बना करके, इसमें मैंने रेड ले लिया और इसमें व्हाइट, कुछ इस तरीके से पैटर्न भी आप तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पेज लेआउट में पेज कलर के बारे में पढ़ाया था, सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये स्लाइड का बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, लिखा हुआ है ना, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए जैसे मान के चलिए यहां से मैंने सबसे पहले इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यही वाला बैकग्राउंड इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम चाहते हैं इस स्लाइड से केवल ये जो ग्रीन कलर वाला दिया है उसको हम हाइड कर दें, तो आप इसको यहां से हाइड कर सकते हैं। पुनः लाना तो आप इस पे ट्रिक हटाइए, आ जाए इस पे ट्रिक हटाएंगे लगाएंगे तो ये गायब भी हो जाएगा, दिख रहा है। अब इस पे भी ये सारे ऑप्शंस पे आसानी तरीके से आप अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए यहां से भी हटाना चाहते हैं तो यहां से क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, यही आपका बैकग्राउंड होता है। चलिए अगला ऑप्शन आता है क्या, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांजिशन के बारे में, तो जैसे मैंने कल आपको फोटो एल्बम के बारे में बताया था ना, जैसे मान के चलिए कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे इतना सारा स्लाइड हमारे पास बना बनाया दिख रहा है, लेकिन सारे स्लाइड को हम प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन सब अलग अलग स्टाइल में प्रेजेंट हो, इसके लिए आप चाहेंगे तो ट्रांजिशन में अलग अलग स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फोटो एल्बम बाई लिखा हुआ है ना, इस पे आप डिफरेंट दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये सब एक प्रकार का ट्रांजिशन है। ये वाला भी ले सकते हैं, देखिए ये वाला भी ले सकते हैं, देखिए सेव। और इसपे और भी ज्यादा चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ओवर फॉल ओवर करके दिया हुआ कुछ इस तरीके से गिर जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग स्लाइड का स्टाइल दिया हुआ है, देखिए अलग अलग ट्रांजिशन इसमें दिया हुआ है, फ्रैक्चर करके दिया हुआ है, देखिए कुछ इस तरीके से गिर, इस पे क्लिक करके देखिए यहां से मैंने क्रस ले लिया कुछ ऐसे करेगा, दिख रहा है। आप यहाँ पे कुछ आप जो है साउंड भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसमें इतना सारा साउंड दिया हुआ है। इसमें ले लीजिए क्वाइन, आप देखिए प्रीव्यू दिखाते हैं, आवाज सुनाई दिया है, फिर इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करने के बाद इस पे हम लेना चाहते हैं फ्रैक्चर, आप देखिए फ्रैक्चर लेना चाहते हैं या वाइंड वाला ले लीजिए, वाइंड वाला हवा टाइप। अब इसमें भी साउंड देना चाहते हैं इस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप इसमें भी साउंड आप दे सकते हैं वाइंड वाला, प्रीव्यू करके देख, इस पे क्लिक करिए, इस पे सर्टेन वाला देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा, देखिए अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले का क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले का मतलब इस तरीके से कुछ बना लेगा, उसका बैकग्राउंड बना लेगा कुछ ऐसे दिखाएगा आपको, देखिए देखिए कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। ठीक है, इस पे भी कुछ आप जो है मतलब यहाँ पे देना चाहते हैं साउंड, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे मैंने क्लिक ले लिया और यहाँ से प्रीवियस करके देखिए, और भी साउंड अप्लाई करके देखना है तो यहाँ से और भी आप साउंड ले सकते हैं, यहाँ पे टाइप राइटर करके दिया हुआ है कुछ, देखिए समझ में आ रहा है, तो ये सब एक प्रकार की ट्रांजिशन है। ड्रैग करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखिए फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारा, इसमें ओरिजमी करके भी ऑप्शन एक दिया होगा, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा रहेगा कि साउंड आप देंगे, जैसे ये वाला साउंड मैंने ले लिया, जैसे कैमरा का साउंड भी दिया हुआ है, कैमरा करते हैं तो उसकी कुछ आवाज निकलता है ना, उस तरीके से आवाज देगा, देखिए ये सब अलग अलग ट्रांजिशन यहाँ पे दिया हुआ है, हनीकम्ब करके दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये सब बारी बारी से अप्लाई करके आप देखिएगा, देखिए क्लिप है ये, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए
समझ में आ रहा है? ये बारी बारी से जब प्रयोग करेंगे तब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, और किसी जैसे मान के चलिए कि ये वाला इफेक्ट मैंने लिया है यहाँ पे और इसको चेंज करना है, तो जैसे इसको आप लेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस चेंज करके आपको आपको दिखाएगा। देखिए अलग अलग दिखा रहा है, तो इसका सारा का सारा यहाँ पे इफेक्ट भी दिया हुआ है। देखिए देखिए कैसे दिखा। तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग बारी बारी से देखिएगा, जैसे हैमर लिखा हुआ और प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लेना, पूरा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पुश। ठीक है, आप जैसे देखिए आप यहाँ पे कुछ टाइमिंग भी दिया हुआ है। देखिए जैसे इसके बाद ये आए तो कितने सेकंड के बाद आए, तो आप इसमें जो है आप अलग अलग टाइमिंग इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अलग अलग टाइमिंग दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास 10 स्लाइड अवेलेबल है तो सब वन बाय वन करके भी टाइम से आएगा, तो आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। और वही अगर आप टाइमिंग दे देते हैं, जैसे मान के चलिए कि 5 सेकंड के बाद आवे, 6 सेकंड के बाद आवे, तो आप आसानी तरीके से टाइमिंग के हिसाब से उसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला स्लाइड मैंने लिया है और फर्स्ट वाला स्लाइड हम कितने समय तक चलने दें, इसके लिए आप यहाँ पे आप टाइम ले लीजिए। ये सेकंड का टाइमिंग दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइमिंग ले लिया। फिर हम सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं और इस पे मैंने यहाँ से बढ़ा दिया थोड़ा सा, इस पे मैंने 4 सेकंड का टाइम ले लिया। इस पे आ जाइए, इस पे भी आप अलग से इसमें कोई साउंड दे दीजिए, और साउंड देने के बाद इसमें भी आप कुछ अलग से टाइमिंग दे दीजिए। आप अपने हिसाब से कुछ टाइमिंग यहाँ पे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब चलिए अप्लाई टू आर करेंगे तो सब पे सेम टाइमिंग अप्लाई हो जाएगा, सब पे सेम टाइमिंग। देखिए अप्लाई टू आर मैंने कर दिया, इस पे आइए, 1:25 लिखा हुआ है, इस पे आइए, इस पे भी देखिए वही टाइमिंग, इस पे भी देखिए वही टाइमिंग। एक म्यूजिक मिल जाएगा और एक आपकी टाइमिंग मिल जाएगा। और देखिए इसके बाद से यहाँ पे आता है ऑन माउस क्लिक। अगर आप इसको हटा देते हैं और इसमें जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट वाला स्लाइड कितने सेकंड के बाद दूसरा स्लाइड आवे, कितने सेकंड के बाद तीसरा स्लाइड आवे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई टाइमिंग दे दीजिए। जैसे ये वाला स्लाइड मैंने क्लिक किया और हम चाहते हैं कि ये स्लाइड कम से कम 5 सेकंड चले, उसके बाद से सेकंड वाला है, फिर यहाँ से आफ्टर ले लीजिए और यहाँ से ऑन क्लिक हटा दीजिए, और ये भी स्लाइड चले मात्र कितना सेकंड, 4 सेकंड। इस पे क्लिक करिए और इसको आप चलाना चाहते हैं, मान के चलिए कि इसमें भी आप टाइमिंग देना चाहते हैं 3 सेकंड, तो सब में अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने कल क्या किया था, एरो की दबा दबा करके आगे हम बढ़ रहे थे ना, लेकिन अगर हम इसमें टाइमिंग लगा देंगे तो वन बाई वन करके ये आता जाएगा, हमको अलग से टाइमिंग ऐड करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार आपको टाइमिंग देना। चलिए इतना ही हम देखते हैं। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे चलते हैं और शिफ्ट प्लस F5, अभी देखिएगा कुछ नहीं दबाना, अपने आप आएगा ये। सब पे साउंड मैंने एक ही दिया है ना, ये वन बाय वन करके आता जाएगा। देखिए पर और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब अपने हिसाब से कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे तब। ये तो मैंने नॉर्मल बनाया है ना, देखिए सब यूज होगा अपने आप से। हो रहा है चेंजिंग, बस यही लास्ट है। और बैक जाना है तो क्या करेंगे, इसके बटन दबा करके बैक आ जाएंगे। तो आप क्या करिए, आज लैब में जाकर के इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके बारी बारी से आप लोग देख लीजिए। साउंड तो नहीं अप्लाई होगा, लेकिन इतना सारा आप पूरे डिजाइन को आसानी तरीके से लगा करके देख सकते हैं, ये पूरा ट्रांजिशन का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। हो जाएगा,